राजस्थान में 1 अगस्त 2010 से प्लास्टिक बेचना और खरीदने दोनों पर बैन है, लेकिन बैन होने के बावजूद भी राजस्थान में हर शहरों और हर गांव में खुलेआम प्लास्टिक बिक रहा है। राजस्थान सरकार की लाख कोशिश हो गई है कि यानी कि प्लास्टिक को बैन लगाया जाए, क्योंकि प्लास्टिक से प्लास्टिक काफ़ी सारा प्रदूषण फैला रहा है, क्योंकि प्लास्टिक कहते हैं कि वो विकसित नहीं होता है, ज़मीन के अंदर मिलता नहीं है अच्छी तरह से और ज़मीन को उपजाऊपन को ख़त्म करता है। लेकिन ये कोशिश सरकार की तरफ से हो रही, लेकिन आमजन इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं दिखा रहा है और इस जागरूकता के चलते वो बिल्कुल धड़ल्ले के साथ में इस प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। जैसे साग सब्जियों की दुकानों को देख लीजिए आप किसी भी, या फिर जो किराने स्टोर की दुकानें हैं हमारे आसपास के जितने भी जो बड़े गांव हैं, नगर पालिकाएं हैं, वहां पर तो प्लास्टिक के उपयोग को लेकर वहां पर जो वहां का प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन ने काफ़ी सारी कार्रवाई भी की है। लेकिन अभी जो देलवाड़ा जो गाँव है वहाँ पर अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जिससे कि ये कि प्लास्टिक के ऊपर लोगों को मालूम चले कि यहाँ पे बैन लगाया जा चुका है। क्या बोला, अभी कोई आया नहीं इंक्वायरी करने, मतलब कुछ नहीं आया, तुम प्लास्टिक यूज़ करते हो नहीं करते हो, क्यों करते हो, कोई नहीं आया पूछने का। हम भी यूज़ कर रहे हैं, चल रहा है उपयोग, तो इनका धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर घट नहीं रहा इसलिए रह रहा है कि जो पकड़ नहीं कर रहा है, पकड़ हो जाती है एकदम ऑटोमेटिक बंद हो जाए। हर चीज़ में प्लास्टिक कागज़ की थैली में होनी चाहिए पैकिंग। राशन की दुकान से लेकर सब्जी मंडी तक प्लास्टिक का खुलेआम उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक बेचना या खरीदना दिखाए गए व्यक्ति पर 1 लाख का जुर्माना या 5 साल की सजा हो सकती है, लेकिन राजस्थान के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। प्लास्टिक बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए सरकार को। जब प्लास्टिक पे पाबंदी लगा दी तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो राजस्थान सरकार ने जो 1 लाख का जुर्माना या फिर 5 साल की कैद लगाई यहाँ पे, ठीक है, इसका कितना उपयोग हुआ है यहाँ पे? आज तक कोई ऐसा केस आया क्या, 1-2 को छोड़ के? जो पॉपुलेशन है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से अपन कन्वर्ट करें तो 1% भी केस नहीं पकड़ा गया। तो इस तरीके के केस बनने चाहिए, पकड़ने चाहिए, जो जुर्माना किया है वो लगना चाहिए, जो सजा का प्रावधान किया है वो सजा मिलनी चाहिए, तब जाके लोगों में खौफ होगा। कोई एक हाथ पकड़ जाता है, वास्ता लगा के छूट जाता है, इस तरीके से ये नहीं होता। कानून सख्ती से इसकी पाबंदी करेगा तो हर चीज़ संभव है। केवल पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना काफ़ी नहीं होगा, सरकार द्वारा उन फैक्ट्रियों को ही बंद करा देना चाहिए। मैं शमूला तवर देलवाड़ा से इंडिया अनहट के लिए।